हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक आज का कनेक्टेड मोशन। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, मास पुली प्रॉब्लम। पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद में आगे देखते हैं। ये हमारे पास में एक पुली है जो इस तरीके से घूम सकती है या फिर वो इस तरीके से घूम सकती है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूम सकती है। पुली जो है वो इस तरीके से फिक्स है कि जब इसके ऊपर वेट लटकाया जाता है तो ये उस अपनी पोजीशन से हिलती नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ये एक रिगिड बॉडी के साथ में कनेक्टेड है। पुली जब घूमेगी तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस एक्सिस के ऊपर पुली घूम रही है वो जो एक्सिस और पुली के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम है। मीन्स इतना कम है कि उस फ्रिक्शन फोर्स का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये जो पुली है इसका जो एक साइड है उसके ऊपर एक मास लटका हुआ है M1G। M1 नाम का एक मास है और जी उसके पास में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो इसके पास में जो टोटल वेट हो जाएगा वो हो जाएगा M1G। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो M1 है वो हैवियर है कंपेरिजन टू किसके, M2 के। तो M1 यदि हैवी है M2 से तो जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो M1 की तरफ होना शुरू हो जाएगा। मतलब M1 जो है वो नीचे जाएगा और जो M2 फोर्स है, M2 जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जो M1 है उसके लिए जो एक्सेलेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा और जो M2 है उसके लिए जो एक्सेलेशन बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलेटेड होगा क्योंकि ये लाइटर है और ये M1 जो है वो हैवी है। टेंशन जो है तो ये वाली जो स्ट्रिंग है M1 की तरफ वाली स्ट्रिंग, इसके ऊपर टेंशन लग रही है क्योंकि M2 उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। M2 वाले के ऊपर टेंशन जो वो इधर इसलिए लग रही है क्योंकि M1 उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन है वो दोनों की दोनों एक डायरेक्शन बनेगी, आपको समझना है। ये इसका जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो टोटल एक्सलेशन होगा वो कितना होगा या ये जो टेंशन है ये टेंशन कितनी होती है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 जो कि एक पुली के साथ में कनेक्टेड है, और पुली जो है वो हल्की है, और ये मान के चलते हैं कि पुली के ऊपर फ्रिक्शनलेस जो फोर्स काम करता है फ्रिक्शन वाला वो नेग्लिजिबल है। M1 जो है वो ग्रेटर देन है M2 से, तो जो हैवियर बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और जो लाइटर बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब M1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और M2 वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्सेलेरेशन जो हो रहा है वो दोनों के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो M1 वाला है उसमें एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जो M2 वाला है उसमें एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों के लिए हम लोग अलग अलग केस को स्टडी करते हैं। पहले हम लोग हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए जो हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए जो डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास में लग रहा हुआ है वो है हमारे पास में M1G, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है। हैवियर ऑब्जेक्ट में जो टेंशन लग रही है वो हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो M1G है वो बड़ा होगा और जो T होगा वो हमारे पास में छोटा होगा। तो इसके पास में जो नेट फोर्स निकल के आएगा, तो नेट फोर्स हमारे पास में आ जाएगा M1G माइनस का T। तो नेट फोर्स जो है हमारे पास में आ जाएगा M1G माइनस का T इज इक्वल टू M1A। यहाँ पे जो A है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोग लाइटर बॉडी की बात करते हैं। डायग्राम आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। लाइटर बॉडी में जो M2G है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो टेंशन थी हमारे पास में वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, क्योंकि लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव ना करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टेंशन होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या टेंशन ग्रेटर देन होगी किससे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से। ओके, जो बॉडी है लाइटर बॉडी वो ए नाम के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए जो टोटल फोर्स आ जाएगा लाइटर बॉडी के ऊपर वो आ जाएगा T माइनस का M2G
टी माइनस का एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, ए यहाँ पे जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी टेंशन ज़्यादा था लाइटर बॉडी में इसलिए टी माइनस एम टू जी किया, क्योंकि एम टू जी यदि कम है इसलिए बॉडी जो है अपवर डायरेक्शन में मूव करती है। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारे पास में जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। मतलब कि जब लाइटर बॉडी जो है वो कितने एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगी या जो हैवी बॉडी है वो कितने एक्सेलेरेशन के साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ए की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। एक और चीज़ समझिए कि जो हमारे पास में हैवी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और जो लाइटर बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हैवी बॉडी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो 9.8 मीटर पर सेकंड का जो एक्सेलरेशन है वो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए है, जबकि यहाँ पे जो ये जो हैवी बॉडी है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है, इसके साथ में ये बॉडी कनेक्टेड है, इसलिए इस बॉडी का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा हमारे एक्चुअल एक्सेलरेशन से कम होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन कनेक्टेड मोशन ऑलवेज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि जो टेंशन है उस स्ट्रिंग के अंदर वो टोटल कितनी है, तो हम लोग इक्वेशन वन को जो है वो डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर टू से। तो ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, ये रही इक्वेशन नंबर टू, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में टी की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। यहाँ से एम वन हमको पता है, एम टू पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, सबकी सब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर टोटल कितना एक्सेलरेशन कितना जो है टेंशन होगा उस स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो दो चीज़ें हम लोग इस कनेक्टेड मोशन से काउंट कर सकते हैं, एक तो कि वो ऑब्जेक्ट गिरेगा तो कितना एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, दूसरा उस ऑब्जेक्ट के जो मासेज कनेक्टेड एम वन और एम टू एक स्ट्रिंग के साथ में तो उस स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन होगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए, एक टॉपिक आता है हमारे पास में इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो लगने वाला जो हार्ड फोर्स है, मतलब एक शॉर्ट टाइम के पीरियड के अंदर जो लगने वाला फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। जैसे कि यदि हम लोग किसी चीज़ को हिट करते हैं, जैसे वॉलीबॉल को हम लोगों ने हिट किया, तो हमारे पैर के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वॉलीबॉल के ऊपर, तो जो किक हुआ, किक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास में बहुत ही कम है। जैसे हम लोगों ने किसी हाइट से जंप किया, ठीक है, तो जंप करने के कारण जो बॉडी हमारी है उसका कॉन्टैक्ट और अर्थ सरफेस के साथ जो कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड है वो बहुत ही स्मॉल है। तो एक बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के दौरान जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो यहाँ पे यदि इसका एक ग्राफ बनाए तो ये इस एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम को इंडिकेट कर लिया है, इस एक्सिस पे हम लोगों ने फोर्स को इंडिकेट किया है। तो एक इतने से टाइम पीरियड के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स जो हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मस्ती कर रहे हो और सड़क पे चल रहे हो, देख किधर ओर रहे हो और चलना आप किधर ओर रहे हो, और गलती से गाड़ी आती है और वो गाड़ी जो है आपके पैर के ऊपर से चढ़ के निकल जाती है। ठीक है, तो जब वो गाड़ी आपके पैर के ऊपर से जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है आपके पैर के ऊपर, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो एक लिटिल बिट टाइम के लिए लगता है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक लिटिल बिट टाइम के लिए लगा है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, अब यदि जो गाड़ी आपके पैर के ऊपर से गई है उसको हम लोग विजुलाइज करें एक बड़े तौर तरीके पे देखें, तो जब वो ये मान लीजिए आपका पैर है और ये गाड़ी इस तरीके से आई और आपके पैर के ऊपर चढ़ के ऐसे निकल के वो चली गई, तो इस कंडीशन पे इस पॉइंट पे देखिए फोर्स की वैल्यू होगी मान लीजिए हमारे पास में 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल। इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू होगी 20, 30, 40, 50। जब वो गाड़ी आपके पैर के ऊपर वाले पॉइंट पे होगी,
ठीक है, तो उस टाइम पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, और फिर धीरे 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 करके फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, 30, 20 और 0। तो फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू जीरो। ओके, तो यदि यहाँ पे फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स होगा। तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, तो उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो टोटल फोर्स लगा, उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे जीरो था, फिर 10 हुआ 20 30 40 50, फिर 40 30 20 10 और 0। तो जो टोटल फोर्स है हमारे पास में, जो जीरो से लेके मैक्सिमम तक गया और मैक्सिमम से लेके जीरो पे आया, उस फोर्स को हम लोग काउंट करना चाहते हैं, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एवरेज फोर्स। ठीक है, तो इम्पल्स हो जाएगा हमारे पास में एवरेज फोर्स इंटू में टाइम, मतलब कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए कितना फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू में टाइम। तो इम्पल्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, कुछ बुक्स वाले इसको जे से भी लिखते हैं, बट हम लोग आई को प्रेफर करेंगे। तो आई इज इक्वल टू एफ ए वी इंटू में टी। तो यहाँ पे एफ जो फोर्स है और एवरेज फोर्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो एफ ए वी इंटू में टी। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है वो इस पॉइंट पे अलग है, द वैल्यू ऑफ द फोर्स एट दिस पॉइंट इज डिफरेंट एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट इज डिफरेंट। तो यदि वैल्यू ऑफ फोर्स डिफरेंट होगी, तो हम लोगों ने पिछले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फोर्स। ठीक है, सेकेंड लॉ जो हमारा कहता है मोशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि फोर्स चेंज हो रहा है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी चेंज हो रहा होगा। तो लेट मी से दैट कि लीनियर मोमेंटम इज चेंजिंग फ्रॉम P1 to P2। तो लीनियर मोमेंटम जब चेंज होगा, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस लीनियर मोमेंटम, ये जब चेंज हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में कुछ टाइम पीरियड लगा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो P2 - P1 / T। ठीक है, टी को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एफ एवरेज इंटू में टी इज इक्वल टू P2 - P1 = इम्पल्स। मतलब कि यदि कोई भी इम्पल्स कितना इफेक्टिव होगा, कितना हार्ड होगा, तो वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लीनियर मोमेंटम इज हाई, देन द वैल्यू ऑफ द इम्पल्स इज ऑल्सो हाई। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्स है वो एक लीनियर मोमेंटम के चेंज होने के कारण बना, और लीनियर मोमेंटम जो है उसको चेंज करता है फोर्स। तो यहाँ पे जो इम्पल्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बन जाएगा क्योंकि इम्पल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरेज फोर्स। तो जो डायरेक्शन हमारे पास में फोर्स की होगी, वही डायरेक्शन हमारे पास में इम्पल्स की भी हो जाएगी। ठीक है, ओके, डायमेंशन फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा, वही हमारे पास में इम्पल्स का हो जाएगा। ऐसा यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ऐसा यूनिट जो है हमारे पास में ऐसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा फोर्स का आ जाएगा न्यूटन, और टाइम का आ जाएगा सेकेंड। या फिर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स जो है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये आ जाएगा मास का केजी और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, इम्पल्स के हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ का एग्जाम्पल होते हैं और क्यों इम्पल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने निकाला कि एफ एवरेज है वो आया P2 - P1 / T, मीन्स द चेंजिंग ऑफ द लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव द रिजल्ट ऑफ द एवरेज फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं, यदि टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगी तो एवरेज फोर्स जो हमारे पास में लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू घट जाएगी, और यदि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए, यदि पहिया एक थोड़े से टाइम के लिए हमारे पैर के ऊपर से आया और निकल के चला गया तो हमें दर्द कम होगा, मतलब फोर्स कम लगेगा। लेकिन पहिया एक लंबे टाइम तक हमारे पैर के ऊपर खड़ा रहा, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, बाइक का, मोटरसाइकिल का, कुछ भी मान सकते हैं, कार का, तो जिसका ऑब्जेक्ट का पहिया हमारे बाइक हमारे पैर के ऊपर खड़ा रहा, ठीक है, मीन्स टाइम इज टेकिंग मोर।
तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके, तो यदि टाइम हमारे पास में कम है तो फोर्स क्या रहेगा? ज़्यादा, ठीक है, और टाइम ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में? कम। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए, अ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। हम लोग ये देखते हैं कि जब एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी अपने हाथों से कैच को पकड़ता है, ठीक है, तो वो वहीं की वहीं अपने हाथों को नहीं रखता, वो हाथों को पीछे खींचता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे वो अपने हाथों को पीछे खींचेगा, तो वो पीछे खींचने के कारण बॉल का जो टाइम पीरियड है उसके हाथों में रहने वाला, उस टाइम पीरियड को वो इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा करने पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा हाथ पीछे खींचने पे, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और इससे कैच छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, और उसके हाथों को चोट लगने वाले जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। दूसरा, व्हेन ए पर्सन फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए सीमेंट फ्लोर। हम लोग ये देखते हैं यदि कोई आदमी है वो किसी हाइट से फॉल होता है, गिरता है या छलांग लगाता है, तो रेत के अंदर उसको चोट नहीं लगती है, जबकि वो सीमेंट के अंदर, सीमेंट का जो फर्श उसके ऊपर गिरता है तो उसको चोट लगती है। ऐसा क्यों? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो सीमेंट का जो सरफेस है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब उसका जो कांटेक्ट है पर्सन का, जो फॉल पर्सन छलांग लगा रहा है उसका कांटेक्ट, और जो सीमेंट का फर्श का जो कांटेक्ट है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट बहुत कम टाइम इंटरवल के दौरान होता है, और जो बहुत कम टाइम इंटरवल होगा तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसको चोट लगेगी। ठीक है, अगला, द व्हीकल प्रोवाइडेड सोकर्स। व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर हम लोगों को सोकर्स दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कोई धचका आता है तो जो पहिया है वो गड्ढे में जाता है, गड्ढे में जाने के कारण सडनली हमारी जो बॉडी है जो मोशन की कंडीशन में थी, यदि व्हीकल मोशन में है तो वो एकदम से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती, इसलिए हमको चोट नहीं लग सकती है। तो सोकर क्या कर सकते हैं, जब वो पहिया गड्ढे में जाएगा तो उसको उस गड्ढे वाला जो बैलेंसिंग है उसको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और वो उस टाइम पीरियड को, मतलब जितने स्पीड के साथ क्लोज होते हैं धीरे धीरे वो एक्सपेंड होते हैं, तो टाइम पीरियड बढ़ाते हैं जिससे फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है और हमारी बॉडी को चोटी नहीं पहुंचती है। ठीक है, ओके, हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रेन वगैरह की जो बोगी है उनके बीच में बफर लगाते हैं, बफर मतलब स्प्रिंग लगाते हैं मोटे मोटे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती या रुकती है, तो यदि दो डिब्बों के बीच में वो स्प्रिंग्स नहीं होंगी तो दोनों डिब्बे एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे, और टकराने के कारण जो है जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनके अंदर नुकसान हो सकता है। तो जो स्प्रिंग है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो वो कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के बाद में वो धीरे 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 एक्सपेंड होती है। तो जब वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है और फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए हम लोगों को जब ट्रेन रुकती है चलती है तो झटका नहीं लगता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, जैसे कि जो ग्लास वगैरह के जो बर्तन या कुछ भी जो चीज़ें हैं ग्लास वेयर्स की, वो हम लोग एक कागज़ के अंदर लपेट के क्यों लेके आते हैं? जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट हम लोगों को चोट लगने से कैसे बचाता है? ठीक है, जो जो रनर होता है तो जहाँ पे वो छलांग लगाता है वहाँ पे रेत जो है वो क्यों डाला जाता है? तो इस सबके सब एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन आएगी कि जो फोर्स है वो हमारे पास में कम लगे, जिससे हमें चोट कम लगे, इसलिए हम लोग टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे एक रनर दौड़ के आएगा तो यदि उसको वहाँ पे रेत मिलेगा तो वो रेत के अंदर फिसल सकता है, और जैसे जैसे वो फिसलता हुआ जाएगा उस रेत के अंदर, तो उसका जो टाइम पीरियड वो बढ़ जाएगा और उसको चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पल्स। कल हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखते हैं, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।